वेलकम टू हम्पी। तो ये है अंजनादी का पर्वत और ये बर्थ प्लेस है लॉर्ड हनुमान का। नमस्ते, ओम नमः शिवाय। यू शुड कम एंड एक्सपीरियंस बिकॉज हम्पी इज सच अ प्लेस व्हिच मेक्स यू हैप्पी ऑल द टाइम। जय श्री राम। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मेरा हम्पी में दूसरा दिन है और आज हम्पी की थोड़ी दूर की प्लेसेस हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिनमें आता है अंजनादी पर्वत, बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड हनुमान। उसके साथ हम लोग कोराकर राइड करने वाले हैं, वाटरफॉल भी देखने वाले हैं और भी प्लेसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा आगे। तो डे वन को मैंने कौन कौन सी प्लेसेस विजिट की उसका वीडियो मैंने बना के रखा है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है उस वीडियो में मैंने हम्पी के बारे में, आना कैसे है वो सब, तो आप वीडियो जरूर देख लेना। बाय द वे, जिस गेस्ट हाउस में मैं रुका हूँ ये है अंजना गेस्ट हाउस, तो इसका कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको यहाँ पर रुकना है तो आप कॉन्टैक्ट करके रुक सकते हो। तो चलो फिर चलते हैं और हम्पी को एक्सप्लोर करते हैं। तो हमारे ऑटो वाले भैया आ गए, इनका नाम है जगदीश, तो इनके भाई के साथ में कल था, आज ये है हमारे साथ, तो ये हमको आज घुमाने वाले हैं। आज हम लोग जाने वाले हैं अंजनादी और अंजनादी पंपा सरोवर, आनेगुंदी और सनापुर लेक, कोराकर राइड भी करते हैं, राइड भी करते हैं, तो आज बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए फिर। ओके, चलेंगे सर। ओके, तो आपको भी अगर यहाँ पर ऑटो रिक्शा बुक करना रहेगा तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूंगा, तो आपको अच्छे से घुमा देगा और इनको हिंदी अच्छे से आती है। ओके, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कम्युनिकेशन में। आज के दिन की सबसे पहली जगह पर हम आए हैं, एक मंदिर है जो कि है रंगनाथ स्वामी टेम्पल, और ये मंदिर है, मैं आपको दिखाता हूँ, तो बाहर से दर्शन कर लेता हूँ मैं और आप भी देख लीजिए। अभी मंदिर तो बंद है बट मैंने यहाँ से देखा तो विष्णु भगवान जी का मंदिर है, कैमरे में आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि काफ़ी अंधेरा है अंदर। अभी हम आए हैं चिंतामणि मंदिर देखने के लिए, ये पीछे मंदिर है यहाँ पर, और यहाँ से काफ़ी खूबसूरत व्यू दिख रहा है, तुंगभद्रा रिवर दिख रहा है, काफ़ी बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। तो अभी हम लोग आए हैं दुर्गा माता पर्वत, मतलब दुर्गा माँ का मंदिर है ऊपर, और थोड़ा सा क्लाइम करके आना पड़ेगा, ये यहाँ से लोग जा रहे हैं। दोस्तों ये है वाली गुफा, तो इसके अंदर हम लोग जाते हैं, अभी देखते हैं क्या देखने को मिलता है। वाली गुफा अंदर है काफ़ी अंदर शायद मेरी, तो चलो चलते अंदर। ये है गुफा, वाली गुफा, अभी अंदर लाइट लगाए बट दिन का टाइम इस पर बंद करके रखा है। अभी आगे पूरा अंधेरा है, यहाँ से रोशनी आ रही है। तो अभी हम लोग आ गए हैं अंजनादी मंदिर, ये पीछे आप मेरे देख सकते हो, ये है अंजनादी का पर्वत और ये बर्थ प्लेस है लॉर्ड हनुमान का। तो चलते हैं वहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारा आपको मार्केट शॉपिंग एरिया मिल जाएगा पीछे साइड, यहाँ से ले सकते हो। चलो फिर चलते हैं, हनुमान भगवान जी के दर्शन करते हैं। तो ये है प्रवेश द्वार मंदिर तक जाने का, यहाँ पर बना हुआ जैसे कि आप देख सकते हो। तो दोस्तों ऊपर जाने के लिए आपको शूज़ निकालना पड़ता है, आप शूज़ पहन के ऊपर नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पर काउंटर है, यहाँ पर आप शूज़ रख सकते हो, सामान भी रख सकते हो, और सिर्फ 3 रुपया, ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पर काफ़ी बंदर है तो उसे संभल के रहे, ठीक है। तो चलो चलते हैं अब। तो ऊपर जाने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है और लगभग यहाँ पर पूछा मैंने तो 550 के आसपास सीढ़ियाँ है, और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये पूरा मतलब ऊपर से ढका हुआ है, मतलब बारिश और धूप से बचने के लिए, तो ये अच्छी बात है। अभी तो चलो फिर चलते हैं ऊपर और हनुमान मोहन जी का नाम लेते हैं, जय बजरंग बली। अब जाके आगे नहीं, अच्छा वापस, वापस जा रहे हो, इधर से ही बस, कोई बात नहीं, चलो जय बजरंग बली। तो सीढ़ी चढ़ना हमने शुरू कर दिया, यहाँ पर आपको बंदर बहुत दिखेंगे क्योंकि ये हनुमान जी का मंदिर है, तो इन मंदिरों से सावधान रहे आप, इनके सामने कुछ खाए पिए ना,
और अपना मोबाइल वगैरह सब अंदर रख दे और सब बैग पूरा चेन अच्छे से आप बंद कर दे। यहाँ पर एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पर हर एक स्टेज पे कपूर जला के रखा है। यहाँ पर भी है, जो अभी भूल गया, यहाँ पर भी है, सब जगह जला के रखा है, हर एक स्टेज पे जला के रखा है। सीढ़ियाँ चढ़ने के दौरान आपको यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे जहाँ पर आप बैठ के आराम कर सकते हो और यहाँ पर आपको पीने के लिए पानी भी मिल जाएगा। और यहाँ पर आए, आप कहाँ से आए हो बताइए, आप कहाँ से आए? यूपी से आए, इलाहाबाद से आए, ये भी आए आपकी सहेली। क्या नाम है आपका? ममता केसरवानी। ममता, और आपका नाम क्या है? कमलेश केसरवानी। अच्छा, तो इन्होंने बताया कि इनके हस्बैंड नहीं चढ़ रहे, ये चढ़ रहे, लेकिन देखो तो बीपी शिकायत है, शुगर शिकायत है। तो इन्होंने कहा कि ये चढ़ के आएंगे, तो इनको मैं साथ में लेके जा रहा हूँ। बोले आप ही हमारे साथ चल दो, तो जा रहे हैं अभी। चलो फिर चलते हैं ऊपर। हनुमान भगवान जी के बर्थ प्लेस को लेकर वैसे देखा जाए तो तीन जगह है। एक तो ये है अंजनादी पर्वत, जो कि कर्नाटका में हम्पी में, एक है महाराष्ट्र के नासिक में अंजनेरी हिल्स, और एक है तिरुमाला आंध्र प्रदेश में। तो तीनों में से कौन सा कंफर्म है ऐसा तो अभी बोल नहीं सकते, बट ज़्यादातर मान्यता ये इसी की है, क्योंकि ये जो किष्कंधा जो नगरी है, जो अभी हम्पी जिसको बोलते हैं, वो यहीं पर है। तो सबका यही मानना है कि यही असली हनुमान जी का बर्थ प्लेस है। जय श्री राम। हार मत मानना। हार नहीं मानेंगे, श्री राम पहुंचाएंगे। दोस्तों, लगभग हम लोग चढ़ चुके हैं और 20-25 फीट बचा है। ये सामने यहाँ पर है मंदिर और नज़ारा काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है यहाँ का, तो बैठ के मैं देख रहा हूँ अभी फिलहाल। तो एग्जैक्ट 575 स्टेप्स है, यहाँ पर लिखा है किष्कंधा 575 स्टेप्स और जन्मस्थल अंजनी पर्वत श्री हनुमान जी। अभी पत्थर के नीचे से हम जा रहे हैं, झुक के आराम से। आ गए फाइनली, हम लोग पहुंच चुके हैं अंजनादी पर्वत के ऊपर। ये रहा मंदिर हनुमान भगवान जी का, ये भी आ गए। आप कैसा लगा आपको? आपको लग रहा था नहीं चढ़ पाएंगे, क्योंकि चढ़ गए ना, लग रहा था, बट चढ़ गए। आपने सहारा दिया था, हमने चढ़ा। हमने नहीं सहारा दिया, उन्होंने सहारा दिया, जो वहाँ पर बैठे अभी। संकट मोचन ने संकट दूर कर दिया इनका। तो चलो फिर दर्शन करते हैं अभी। तो दर्शन हो गए मेरे हनुमान भगवान जी के। अंदर फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, मोबाइल से भी अलाउड नहीं है, तो मैं आपको अंदर का नहीं दिखा सकता। तो काफ़ी अच्छा लगा हनुमान भगवान जी का दर्शन करके। तो अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ से देखिए मंदिर का एक मस्त व्यू देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर बैक साइड बहुत बड़े पत्थर है जहाँ से आप फोटो खींच सकते हो और सराउंडिंग माउंटेन का व्यू देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है और यहाँ पर मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, दोपहर के बस चुके हैं एक, इसके बावजूद तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। यहाँ से सनसेट भी काफ़ी अच्छा दिखता है। यहाँ पर है सनसेट पॉइंट और यहाँ पर है, तो शाम के टाइम आओगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत सनसेट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अभी दोपहर का टाइम हो गया है और हम लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए आए। तो हम लोग जहाँ पर आए, एक्चुअली एक कॉटेज है जिसका नाम है हम्पी नेचर कॉटेज, और अभी यहाँ के उसके ओनर है। तो यहाँ पर खाना बहुत ही अच्छा मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पर कॉटेज भी अवेलेबल है। क्या प्राइस है कॉटेज का? वीकडे में 1000 रहेगा। अच्छा, और वीकेंड पे 1500। ओके ओके, और कुछ एक्टिविटी यहाँ पर होती है? कैंप फायर रहेगा, म्यूजिक रहेगा। ओके, म्यूजिक जमिंग रहेगा। ओके, तो मतलब जिनको चिल रिलैक्स करना है उनके लिए बहुत ही अच्छा लगा है। और कैसा दिखता है अंदर से, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये है कॉटेज ऐसा है, यहाँ पर आप चिल भी कर सकते हो। वाईफाई का फैसिलिटी है इधर पर? फ्री वाईफाई। वाईफाई का भी फैसिलिटी अवेलेबल है, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। हाँ, जो लोग एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम करते हैं, मतलब जिनको काम करते करते घूमना है, तो यहाँ पर आ सकते हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इनका कांटेक्ट नंबर मैं दे दूंगा। आपको नाम याद रखना है हम्पी नेचर कॉटेज, जहाँ पर मैं अभी कोरेकल राइड करूँगा ना, वहीं पर है। तो अभी हम लोग आए हैं हम्पी का वाटरफॉल देखने के लिए। यहाँ पर लिखा है वाटरफॉल, और ये हमको लेके जा रहे हैं रिक्शा वाले भैया जी, जगदीश जी। और वहाँ पर सानापुर जगह है ना, सानापुर जगह है, और यहाँ पर कोरेकल राइड भी होता है, तो वो भी हम करने वाले।
तो जितना प्राइस व्राइस रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। चलो वाटरफॉल देखते हैं फिर राइड करते हैं। हम्पी में अगर आप आते हो तो आपको कोनाकल राइड जरूर करना चाहिए। आगे हम वाटरफॉल के यहाँ पर, तो ये जो आप देख रहे हो पीछे, ये यहाँ पर यही है हम्पी का वाटरफॉल। ये है हम्पी वाटरफॉल और ये रिवर है जिस पर हम लोग कोनाकल राइड करने वाले हैं। तो अभी पानी बिल्कुल नहीं है बट वाटरफॉल यही है। गूगल मैप पर डालोगे हम्पी वाटरफॉल तो ये आपको मिलेगा, इधर ही एकदम। ये है वाटरफॉल, हम्पी वाटरफॉल। तो अभी हम लोग करने वाले हैं कोनाकल राइड, तो ये अंकल जी हमको कराएंगे कोनाकल राइड। और जैसा कि आप देख सकते हो लाइफ जैकेट लेके आए, तो लाइफ जैकेट आपको पहनना कंपलसरी है क्योंकि लाइफ इंपॉर्टेंट है। और इसका जो प्राइस है एक्चुअली 500 रुपीज़ है पर पर्सन। अगर आप अकेले आते हो तो आपसे 600 लेते हैं। बेसिकली क्या है कि अगर दो लोग रहेंगे तो 1000 रुपीज़ हो जाएगा, नहीं 500 रुपीज़ पर पर्सन। अगर अकेला है तो 500 रुपये, ऐसा नहीं आपसे 600 रुपये लेंगे। मैंने बात किया तो बोले 600 रुपये ही लगता है। ठीक है, अभी कोई बात नहीं। आज ड्यूरेशन है हाफ एन आवर, तो आधे घंटे तक हम करेंगे कोनाकल राइड। और हम्पी में आते हो तो आपको कोनाकल राइड करना ही चाहिए, मस्ट डू थिंग है हम्पी में कोनाकल राइड। तो दोस्तों लाइफ जैकेट पहन लिया मैंने और ये रहा हमारा राइड कोनाकल राइड। चलो इसमें बैठते हैं। ये हमारी राइड शुरू हो गई है। ये देखिए दोस्तों, ये है गणपति भगवान जी का स्टैचू, तो सेम टू सेम पत्थर में नेचुरली बना हुआ है, मस्त। तो जिस रिवर में हम कोनाकल राइड कर रहे हैं ये है तुंगभद्रा रिवर। और दो नदी है तुंगा और भद्रा, ये दोनों जब मिलती है तब तुंगभद्रा रिवर बनता है। और ये पूरे हम्पी में आपको ये बहते हुए दिखाई देगा। और ये हम्पी को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक ओल्ड हम्पी और एक न्यू हम्पी। इन पत्थरों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब पानी बहता है ना तो ये पत्थर क्या बोलते हैं, सहन नहीं कर पाता, तभी ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है। कहीं पे भी टूट गया है, कहीं पे छेद हो गया है। तो स्ट्रक्चर एकदम देखने में काफ़ी अच्छा है, तो फोटो के लिए बेस्ट है ज़्यादा। ये मजा आ रहा है गाइस, एकदम राउंड राउंड सही। तो दोस्तों हो गया कोनाकल राइड, मज़ा आया कोनाकल राइड करके, काफ़ी अच्छा था। तो आपको भी एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए। मैं जहाँ से कोनाकल राइड कर रहा हूँ इनके यहाँ से कर रहा हूँ। आपका नाम क्या सर जी? सत्या। सत्या इनका नाम है। तो इनका कांटेक्ट नंबर मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, स्क्रीन पर भी दे देता हूँ। okay. तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लेना, काफ़ी अच्छे प्राइस में डिस्काउंट में। अगर आप ग्रुप में आते हो तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, आपको करा देंगे और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आधे घंटे के साथ, आधे घंटे का रहता है, आधा घंटा रहता है सर, आधे घंटे का रहता है। ठीक है, चलिए सर जी। नमस्ते, ओम नमः शिवाय। यू शुड कम एंड एक्सपीरियंस हम्पी, बिकॉज हम्पी इज सच अ प्लेस विच मेक्स यू हैप्पी ऑल द टाइम। सो इट डिजॉल्व्स मी ऑल द टाइम व्हेनेवर आई कम इन, सो यू शुड कम एंड एक्सपीरियंस हम्पी। ओके, ये हम्पी के नहीं है बट हम्पी के हो चुके हैं अब। अभी बात करते हैं आपका हम्पी में टूर प्लान और बजट क्या हो सकता है। तो हम्पी की सारी प्लेसेस आप दो दिन में आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो, मैंने भी एक्सप्लोर कर लिए। तो ये जो प्लेसेस आप देख रहे हो ये आप डे वन को एक्सप्लोर कीजिए। प्लेसेस ज़्यादा है बट आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो क्योंकि सारी प्लेसेस नज़दीक में हैं। उसके बाद डे टू में ये सारी प्लेसेस आप एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है, अभी बात करते हैं बजट की। तो मैं बजट बता रहा हूँ अप्रॉक्स पर पर्सन बता रहा हूँ, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप एटलीस्ट दो लोग ज़रूर होंगे। तो होटल का यहाँ पर आपको पड़ेगा 1200 से लेकर 1500। तो दो दिन का मैं 1200 पकड़ लेता हूँ, तो दो दिन का हो गया 2400, यानी कि पर पर्सन हो गया 1200। फूड आपको यहाँ पर पड़ेगा 500 रुपया पर डे, तो दो दिन का हो गया 1000 रुपया, यानी कि 2200। अब बात करते हैं कन्वेंस का खर्चा, यानी कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का खर्चा। तो आपको यहाँ पर स्कूटी बाइक ये सब रेंट पर नहीं मिलता है, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, एक है ऑटो और एक है कार। तो ऑटो का यहाँ का आपको पड़ेगा पर डे 1200 से 1500 से लेकर 2000 तक, डिपेंड करता है सीज़न के ऊपर। तो अगर आप ऑटो से घूमते हो तो आपका खर्चा होता है लगभग 2500 से 3000। तो मैं 3000 पकड़ लेता हूँ, तो पर डे आपका हो गया 1500। तो पर पर्सन हो गया आपका 1500, यानी कि
1200 होटल का, 1000 रुपया फूड का और 1500 इसका, यानी कि 3700 का। अब बात करते हैं अगर आप बाई कार घूमते हो तो कार का यहाँ पर होता है 2 से 2500, तो मैं 2500 पकड़ लेता हूँ एक दिन का, यानी कि 2 दिन का 5000, यानी कि एक दिन का हो गया 2500, तो उसके हिसाब से आपका होता है 1200 होटल, 1000 रुपया फूड का और 2500 कार से अगर आप घूमते हो तो, यानी कि हो गया 4700। तो अगर आप बाय ऑटो घूमते हो तो आपका खर्चा होता है लगभग 3700, यानी 4000 पकड़ लो। अगर आप बाय कार घूमते हो तो आपका खर्चा होता है लगभग 4700, यानी कि 5000 पकड़ लो। इसमें एक्टिविटी इंक्लूड नहीं है, तो एक्टिविटी आप जो भी करोगे, जो भी एंट्री फी आप पे करोगे, वो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो काफ़ी सस्ता है हम्पी घूमना, तो आप आ जाइए हम्पी, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप सो हम्पी का इन्फॉर्मेशन आपको मिला रहेगा। तो अगर इन्फॉर्मेशन मिला है, वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी चलता हूँ, जल्द मिलूंगा आपको एक नए वीडियो में, एक नए प्लेस के साथ, एक नए एडवेंचर के साथ, एक नई टूरिस्ट प्लेस के साथ। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय फ्रॉम हम्पी।